हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एलईडी ब्रेक फ्लैशिंग बल्ब के ऊपर। आप देख रहे हैं एस एडवाइज, मेरा नाम है समीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एस एडवाइज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस बल्ब को बाय करना होगा। यह बल्ब आपको मिल जाएगा 140 रुपीज़ में। आप चाहे तो ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं या फिर आपके नज़दीक के स्प्रे पार्ट्स की दुकान में भी जाके मेरा वीडियो को दिखाकर आप वहां से बाय कर सकते हैं। ये मिल जाएगा आपको 140 रुपीज़ में। ये जो है वाटरप्रूफ भी है और उसका ब्राइटनेस भी काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि ये एलईडी बल्ब जो है। तो चलिए इसको किस तरीके से फिट करते हैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं बाइक के पास। अब हम इस बल्ब को फिट करने वाले हैं होंडा यूनिकॉर्न बाइक के अंदर। इस बल्ब को फिट करने के लिए सबसे पहले आपको इस टेलम कवर को ओपन करना होगा। इस बल्ब को ओपन करने के लिए आपको दो स्क्रू खोलने पड़ेंगे, जो कि ये दो स्क्रू जो लगे हैं आपको, वो स्क्रू खोलने के लिए आपको चाहिए कि स्टार स्क्रूटर से इस दोनों स्क्रू को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको टेलम कवर को निकाल लीजिए बाहर की तरफ, क्योंकि तो बड़े आसानी से निकल जाएगा ये टेलम कवर। आप देख सकते हैं टेलम कवर को चलिए साइड में रखते हैं। अभी ये जो बल्ब है वो है आपकी जो शोरूम से आपको जो मिलता है वही बल्ब है ये। और ये जो बल्ब है बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करता है ये। आप चाहे तो कभी भी देखकर देखिए, आपका जब भी आप ब्रेक पकड़ते हैं आपका जो न्यूट्रल लाइट होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, जो कि वो एलईडी बल्ब में आपको वो अच्छा नहीं होएगा, जो कि मैंने खुद ट्राई किया है। चलिए इसका आपको इसका ब्राइटनेस बता देता हूँ, कलर बता देता हूँ। ये जो है वो येल्लो कलर का बल्ब है ये, आप देख सकते हैं। और जो आपकी शील्ड रहती है आपका टेलम कवर की शील्ड वो रहती है ये रेड कलर की, उसकी वजह से आपको बाहर की तरफ दिखता है रेड कलर। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं। बस आपको इस बल्ब को अंदर की तरफ प्रेस करके निकालना होता है। आपको इसके अंदर दो फ्यूज़ मिल जाते हैं, एक जो है वो हेडलाइट का रहता है और दूसरा जो है वो ब्रेक से जलता है। तो चलिए अब हम हमारे एलईडी बल्ब को फिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 6 बल्ब मिल जाएंगे, दोनों साइड के मिलाएंगे तो आपको 12 बल्ब मिलते हैं एलईडी के। तो चलिए इस बल्ब को फिट करने के लिए आपको अंदर की तरफ प्रेस करना होगा। बल्ब को अंदर की तरफ प्रेस करने के बाद में आपको राइट साइड में घुमाना होगा ताकि ये परफेक्ट पूरी तरीके से होल्डर में फिट हो जाए। आप देख सकते हैं लग चुका है ये बल्ब। तो चलिए इस बल्ब का मैं ब्राइटनेस आपको बता देता हूँ। बस आपको ब्रेक पकड़ना होता है आपको इस बल्ब को लगाने के बाद में। आप देख सकते हैं ये बल्ब ऑन हो चुका है, जो कि बहुत ही एकदम गुड लुकिंग, मतलब एकदम अच्छा लग रहा है। और रात के समय जो है वो तो और भी अच्छा लगता है, मैंने खुद इस बल्ब को लगाकर ट्राई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस टेलम कवर को भी फिट कर देते हैं। अभी इस टेलम कवर को फिट करना बहुत ही आसान है। बस आपको यहाँ पे दोनों साइड में एक बीडिंग दी होगी, बस आपको इस बीडिंग में ब्रेक के कवर को लगाकर अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होल है उस होल में आपको स्क्रू को लगाना होगा। उस होल को सेट कर लीजिए पहले, क्लीन से सेट करने के बाद में आपको टेलम कवर को अंदर को एक तरफ प्रेस करना होगा। आप ठीक से फिट नहीं करेंगे तो इसके अंदर पानी भी चले जाएगा जब भी बारिश आएगी या फिर आप बाइक को वॉश करेंगे। चलिए इसको स्क्रू को लगा देते हैं टेलम कवर के। तो बस आपको इस स्क्रू को लगा दीजिए। इसके दूसरे स्क्रू का जो वाशर है इसके अंदर ऑलरेडी लग चुका है, तो चलिए ये स्क्रू को भी लगा देते हैं। अभी हम लगाने के बाद में इसको टाइट करने के लिए आपको चाहिए एक स्टार स्क्रू ड्राइवर से आपको दोनों स्क्रूओं को टाइट करना होगा, एकदम इक्वली टाइट करना होगा आपको। इसको थोड़ा सा टाइट, क्योंकि आप ये जो है वो फाइबर का है, आप कट भी हो सकता है, और ज़्यादा भी मत टाइट कीजिए, दरमियान हिसाब से टाइट कर दीजिए। फाइबर पार्ट जो रहता है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। तो चलिए दोनों स्क्रूओं को भी टाइट कर देते हैं अभी हम। तो दोनों स्क्रूओं को टाइट करने के बाद में तो चलिए फिर से मैं आपको इसका जो बल्ब है वो किस तरीके से फिट करने के बाद में लगता है आपको मैं उसका भी एक शॉट दिखा देता हूँ। आप देख सकते होंगे जो इसकी बीडिंग जो आपकी टेलम कवर पे जो लखी रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक वहाँ से पीछे की तरफ से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैंने इसका रात का शॉट है मैंने उसको भी लिया है, वो शॉट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों साइड से भी आपको बल्ब नज़र आएगा। तो चलिए रात के शॉट को देख लेते हैं अभी। यह है रात का शॉट, जो कि बहुत ही सेक्सी लग रहा है आपको रात में भी। एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।